नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर रेमुणा विधायक सुधांशु परिडांक विरोध में आक्शन केबे सुधांशु को तुरंत गिरफ और दलरु बहिष्कार दाबी कला बीजेपी चासिंग अकाउंट सुधांशु अकाउंट को जाइछि टंका प्राथमिक तदंतरु 4 कोटी रो स्काम रो प्रमाण पाइछि विजिलेंस। राज्य में घन घन पावर कट को नहीं तीव्र होउछी जन असंतोष टीपीसीडीएल सीओ को शक्ति विभाग डकरा अपराह्न विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव निकुंज धल करे समीक्षा बैठक। राज्य में लॉ नेसनेस जल जल शिकारी कब्जा में शिमिलपाड़ शिकारी गुड़े फरेस्टर माथि हंसता मृत्यु पेट्रोलिंग बेले गुड़माड़ पूर्व मे मसने शिकारी गुड़े वन कर्मचारी विमल जेनांकर होइथिला मृत्यु। सुभद्रांक दर्पदलन रथर अखरे फाट फाट लुचाइबाकु करागला बटम पैकिंग और क्लैंप फिटिंग फाट थिबारु अखटी दुर्बल थिबा जनापड़छि वैशाखीय कमिटी जांच सत्वे किभली फाट देखाकला ताकुनी उठिला प्रश्न। विजिलेंस जलरे किराणी आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग बारीपदा उपजिलापा ऑफिसर किराणी रामचंद्र सेन को घरे रेड 4 स्थान चली चढ़ाऊ। जलुची सारा ओडिशा रेकर्ड भांगी चली ताति सका 8:30 रु 36.6 डिग्री रे जलिलानी झारसुगुड़ा भुवनेश्वर 35.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड प्रबल ग्रीष्म प्रभाव जो बढ़ला ग्रीष्म छुट्टी जून 19 परिवर्ते जून 21 रे खोल स्कूल। राज्य में गवर्नेंस डेफिसिट सुवर्णपुर बिनिकारु आसला अभावनीय दृश्य महाप्रयाण गाड़ी न मिलबारु साइकिल ले बुहाला मृतदेह पूर्व नयगढ़ नवघनपुर बापा मृतदेह को पुओ बाइक रे नेबा घटना होइथिला बेस भाइराल। राज्य में घन घन पावर कट एपरि स्थिति रे मुख्यमंत्री कार्यालय तागिद परे आज पुणी टीपीसीओडीएल सीओ को शक्ति विभाग डकरा आसी आज अपराह्न विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव निकुंज धल समीक्षा बैठक करेंगे जो टीपीसीओडीएल सीओ समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। राज्य में प्रबल गरम गुळगुळी होता बेले पावर कट बोझ नलिता बिड़ा सदृश होार प्रतिवाद में जनसंतोष देखा विरोधी बीजेपी पक्ष राज्यव्यापी विक्षोभ प्रदर्शन कर संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि दिव्यज्योति मांती। दिव्य पावर कट जमी लगुच लोकों समस्या को आहरी बढ़े एक तो तातीर निस्तार नहीं ना घरे ना घर बाहर कौट भी निस्तार नहीं अने बिजुली काट लोकों कष्ट को आहरी द्विगुणित कर आज बस समीक्षा बैठक आशा करवा कि पावर कट उपर गोटे प्रकार ब्रेक लगे देखो निश्चित भाव में नीलिमा आप जानते दीर्घ 15 दिन हम पावर कट को नहीं सारा राज्य लुटपुल साधारण लोके राजरास्ता को ओल्लाई विरोधी आपको नहीं प्रश्न करते विभिन्न समय में सरकार को काठगड़ा बांधते किंतु सरकार जो आभिमुख्य होगा कथा 15 दिन भितर गोटे स्थायी समाधान बाट बाहर जावा कथा कि 15 दिन हम विभिन्न स्तर में बैठक बस सारे एपर्त पावर कट समस्या समाधान हो पारिना आज भी घन घन बिजुली काट हो विभिन्न जगार एक आप जानते जदिव गत काली मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर टाटा पावर रिओं को डक जागिद करापर आज शक्ति सचिव निकुंज धल पुणि थे टाटा पावर सचिव को डाकु सीओ को डाकुंट से बैठक करा जे जो पावर कट हो स्थायी समाधान कौन से नहीं जो टाटा पावर पाखे किसी प्रश्न अच्छी कि जदि अच्छी कौन किभली करा से नहीं से विभाग को परामर्श देवे शक्ति सचिव किभली स्थायी समाधान हो पार से नहीं बैठक में आलोचना करा प्रारंभिक सूचना मिलू तेज आज अपराह्न बैठक पर ही जनापड़ ये जो पावर कट रो स्थायी समाधान टा कौन एवं कैसे दिन भितर ता सरकार समर्थ हो पार्टी। ओके बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य ये रहा प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती तबे टीपीसीओडीएल सीओ को शक्ति विभाग डकरा आज बस एक समीक्षा बैठक अपराह्न विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव निकुंज धल करेंगे ए बैठक।
आसिया परवर्ती खबर को रेमुणा विधायक सुधांशु परिडा बढ़ला अड़ुआ। सुधांशु को तुरंत गिरफ और दलर बहिष्कार दाबी करने को रेमुणार पूर्वतन विधायक गोविंद दास दाबी कर सुधांशु चाषी पखापाखि 18 कोटी टंका सब्सिड अर्थ लुट कर जमापड़ चाषी आकाउंट्रु विधायक सुधांशु परिडा आकाउंट को जाइए टंका विधायक और कुबोटा कंपानी मधुचंद्रिकार 18 कोटी महाघोटाला आय बढ़ावा परिवर्ते चाषी को पंगु करिवार षड्यंत्र होई गरीब चाषी सब्सिडी टंका खाई निगमानंद एसोसिएट्स मैनेजिंग पार्टनर तथा रेमुणा बिजेडी विधायक सुधांशु परिडा प्राथमिक तदंतरु प्राय 4 कोटी स्काम प्रमाण पाई विजिलेंस बिजेडी विधायक सुधांशु परिडा भी सब्सिडी टंका लुटी उल्लेख रही तेरे रेमुणा विधायकों विरोध में केबे हेबो एक्शन एबे ताको अपेक्षा संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि प्रकाश महंती रही प्रकाश सबु तथ्य प्रमाण विजिलेंस रिपोर्ट भी आसी सारी लोकायुक्त को भी चिट्ठी लिखा सारी सब परामर्श सारी कि अपेक्षा केवल एक्शन को आ कौन करा कले के तथ्य प्रमाण मिले एक्शन नि सुधांशु परिडा विरोध में देखो नीलिमा से आज जानते हैं बारंबार जो चाषी मैंने जो अभियोग करुले कि सुधां परिडा कोबटा जो मध्यम जो चाषी अर्थ सब्सिडी अर्थ लुट करते या परवर्त समय केस जाए विजिलेंस पहुंचा लोकायुक्त पहुंची लोकायुक्त विजिलेंस रिपोर्ट दे सुधां परिडा ये अर्थ लुट कर प्रमाण मिली जहाँ पाखापाखि प्राथमिक पर्यायर 4 कोटी ऊर्ध टा रही कि नहीं कि बाचस्पति रूलींग सहित विरोधी मैंने बारंबार से कथा प्रसंग उठाऊँच बर्तमान पर्यटन सुधां परिडा विरुद्ध में कौन प्रकार कार्यानुषान नि जहाँ को नहीं रेमुणार पूर्वतन विधायक बर्तमान गोविंद दास जे एक सांबादिक सम्मेलन से सुधां परिडा तुरंत गिरफ दाबी सहित दलर बहिष्कार दाबी करेतु आसंता 22 तारीख दिन 5T सचिव बालेश्वर गस्त आ प्रश्न कर सहित बालेश्वर दायित्व जेहेतु मुख्यमंत्री नहीं खुद बालेश्वर रेमुणार विधायक जेहेतु दलर और सी जेहेतु चाषी अर्थ हड़प कर तथ्य प्रमाण विजिलेंस जो निज विभाग दे सारी तो कौन पर बर्तमान पर्यटन सुधाम विरुद्ध में कार्यानुषान कौन पर घंट गुड़ा जाऊँगी कौन पर सुरक्षा दि जाऊँ यह सब प्रश्न कर भारतीय जनता पार्टी पूर्वतन विधायक जी अच्छा गोविंद दास सी एक सांबादिक सम्मेलन में ये प्रश्न कर मुख्यमंत्री को आम देख ना कि लोक जो मैंने से मैंने ये कथा को स्वागत कर दाबी कर कहीं पर्यटन कार्यानुषान विरुद्ध सुधाम विरुद्ध में आज्ञा देखो बर्तमान ओडिशा चलती बीजेडी शासन चली तेणु नवीन बाबू निजक निजे कहते मुझे स्वच्छ शासन ओडावासी की दूँ देखूँ जड़े विधायक आज जो हरिजन आदिवासी लोकर सब्सिडी पैसा को हड़प कर कोटि कोटी टंका को आज पर्यंत नवीन बाबू लोकायत दे सारे विजिलेंस रिपोर्ट दे सारे सत्वे विधायक आज पर्यटन दलर सस्पेंड करेस्ट करेणु से आम निष्पत्ति नहींचू आसंता 23 तारीख दिन पूर्व जदि विधायक सस्पेंड और आरेस्ट करान जीव आम रेमुणा बंद करूँ एवं 5T सचिव जो आस तारीख रेमुणा को आसान तीव्र विरोध कर रेमुणा विधायक गिरफ दाबी कर 5T सचिव जेहेतु आसुंक गस्त को विरोध कराकड़ी भावे आज्ञा कौन कहे कहीं मत नि कहीं सुजोग दि जाऊँगी खसी जावाप ये कथ प्रमाण है कि चाषी सब्सिडी अर्थ को कोटि कोटी टंका को से हड़प कर तथ्य प्रमाण विजिलेंस देलापर कहीं घट गुड़ा जा कार्यानुषान विरोध कहीं निश्चित भाव में आम भावु सरकार की दुर्बलता अच्छी प्रति निश्चित भाव अच्छी से दुर्बलता जो अरेस्ट करती कार्यानुषान ग्रहण करावन रेमण लोक मैंने बहुत आशा नहीं कर भोट देखिए जितई कि जान नए यही एक कलाकार संपुक्त अच्छा तो यही एक पपारा विधायक को तुरंत बहिष्कार कराऊा रेमणावास तरफ दाबी सब रही आस समस्त से गोटे कथा कि तुरंत कथा के सुधांशु परिडा विरोध में निशन आते प्रमाण तथ्य दरकार ना गोटे समय दि जाऊँगी कि सबकि रफा दफा करने पर रही समस्त नजर धन्यवाद प्रकाश रेटलाम प्रतिनिधि प्रकाश महांती फाइव सचिव को प्रश्न अच्छी बालेश्वर गस्त पूर्वर बालेश्वर दायित्व नहीं ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो आसी 2022 इलेक्शन बेले कही बालेश्वर दायित्व नौची बालेश्वर दायित्व यह कि लोक पब्लिक टंका को विधायक माध्यम लुटबे जो विधायक लुटी कथा आम कहना ओडिशा सरकार अधीन विजिलेंस डिपार्टमेंट इन्क्वायरी रिपोर्ट
लोकायत को दे सारी तापर ये मान्यवर मुख्यमंत्री फाइव टी सचिव एवं सरकार कहीं बहिष्कार करूना विजु जनता दल बहिष्कार करूना विजिलेंस रिपोर्ट दे सारापर कहीं चुप बस कारण ये सफा सफा जना पड़ी विजु जनता दल संग्रह पांठि संग्रह करा जो टंका कि पब्लिक टंका को सबसे टंका को लेकिन विजु जनता दल दलियों पांठि लग जा शिकारी कब्जा में शिमिलपाल शिकारी गुड़ में पुणी आउ जड़े वन कर्मचारी मृत्यु बराहकमड़ा रेंजर फरेस्टर माथी हंसता मृत्यु हो गामुछारण बीट क्या निकट में हो गुड़माड़ राति प्राय दुटा तीस समय पेट्रोली करुवा बेले एकाधिक शिकारी सहित सामनासामनी होता वन विभाग टीम वन विभाग टीम छज सदस्य रही थे जो थे फरेस्टर माथी हंसता भी रही थे शिकारी पक्षर गुड़माड़ होता बेले फरेस्टर को छाती में गुड़ बासा गुरुतर फरेस्टर माथी हंसता घटनास्थल तुरंत करंजी उपखंड डाक्तखाना भर्ती कराइला राति प्राय तीनटा तीस मिनिटे डाक्टर फरेस्टर माथी हंसता मृत घोषणा करते शिमिलपाल दक्षिण उपखंड में घटी घटना वन विभाग एक टीम घटनास्थल पहुंच तदंत कर घटनास्थल गोटे बंधुक जबत हो मृत फरेस्टर घर मयूरभ जिला महलदा बोली जमापड़ी यह पूर्व गत मे 22 तारिखर शिमिलपाल अभयारण्य बाउंशखाल बिटर अंचल शिकारी गुड़ी में प्राण हर वन कर्मचारी विमल जेना पेट्रोली बेले शिकारी गुड़ शिकार होते वन कर्मचारी विमल शिकारी विमल को घेरी जा गुड़माड़ करते वन कर्मचारी केमी खंडे वन कर्मचारी किभली खंडे बाड़ीधारी जंगल को सुरक्षा देवे से नहीं प्रश्न उठी मात्र सरकार एवं सुधा से नहीं कौन पदक्षेप ने फल पुणी समान धरणर अघटन घटी गमछाजारान कैंप रे कैंप पाखे आमर गोटे घटना आज रात दीटा बेले से आमर शिकारी माने सामना सामने होती आमर स्टाफ इंटरसेप्ट कर फायरिंग भी करी से फायरिंग रे आमर जो स्टाफ को फॉरेस्टर को माती हंसदा तांकु गोली लगी चेस्ट गोली लगी आमर स्टाफ थे गोटे एस टी पी एफ फॉरेस्ट गार्ड थे आमर फॉरेस्टर थे पांचटा पीए पिला इंक्लूडिंग ड्राइवर से मैंने फिल्ड थे से मैंने घटना हेलापर नहीं आमर करंजिया को करंजिया हॉस्पिटल को तदंत पुलिस सहित भी आम कंप्लेंट दिखाई पुलिस सहित भी जॉइंटली ऑपरेशन करा चली फॉरेस्टर अच्छा इनचार्ज अच्छा से ए गमछाजारान कैंप से पेट्रोली ड्यूटी करते ड्यूटी हो पूर्वर आम जे शहीद होते आम आज जाए जो प्रतिवाद चली बाबद को भी मुझे आज पी आउ जे भाई आम शहीद होती आम जो 25 लाख दाबी रही पूरण हो सांग को आम जो ड्यूटी जाऊँ आम पूर्ण भाव में आमको मतलब प्रोटेक्शन दि जाऊ द्वितीय तृतीय बंधुक आमको इश्यू करा गणी दिखा स्टाफ अच्छा वर्ष गोटे भितर चेष्टा करूँ तो ऑफिसर माने स्टाफ गुड़ाक मारिदेपी ये तो ये एंजॉय करप तैयारी करे के किलोमीटर चलो एप्टा ये माने नुए बहुत कालू हो आप एप नुए एम अफिस् ये बस अफिश्रे कहीं जंगल कहीं बसुना आम आगे खटी खटी ए जंगल को बचेक रखते आ मजार सारी दौंट आउ मु कहबी केवल बारीपदार फॉरेस्ट ऑफिसर मानक आज जंगलटा सरुचे आरीह छुआ गुड़ाक मरुँच ये जो माथी हंसदा अति सुंदर बहुत भल प्रोटेक्शन पिला थिला विमल थिला भल भल स्टाफ गुड़ाक मर्डर हो जाते खामखियाली गुणपाई एम को हटातु एम को हटातु यही आम मान हाथ में ही दे दिंत शिमिलपाल या लक्षे गुण भल कर देखेदेवा आम पूर्वर देखे आज भी देखेदेवा आमको पैसा दरकार ना आमको आम शिमिलपाल बचेवा दरकार निजे शिकारी मैंने अस्त्रशस्त्र व्यवहार करुँच भल बंदूक पाखे रखुँच कालिका घटना में ठीक से घटी जितेबाला सामना सामनी होती फॉरेस्टर रेडी हवा आगु शिकारी शिकार करने बंदूक रेडी अच्छी से पशु देखिले भी शिकार कर मनुष्य देखिले भी शिकार कर से गुड़ जो कल शिकार हेले
ମାତି ହାସ୍ତା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କହିହେବ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅନେକ ଥର ନିବେଦନ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନେଲା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବନ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବାର ଥିଲା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁଛୁ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବା ମିଳିତ ନିବେଦନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଠି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଚିଲିଣ୍ଡା ସାତକୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ହାତୀର ଡାହାଣ କାନ ପାଖେ ବାଜିଛି ଗୁଳି। ଅନୁଗୁଳ ବନଖଣ୍ଡ ଚିଲିଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ସାତକୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲ କଟ୍ରଙ୍ଗ ସେକ୍ସନ ଭିଲେଜ୍ ଏରିଆର ମାଙ୍କଥର ବିଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ମୃତଦେହ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିଛି ଲୋକ କାଠ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ ହାତୀ ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦଶ ଦିନ ତଳେ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ହୋଇ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କଡ଼ା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଅଭାବରୁ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ଟଣିଥିଲା। ମୃତଦେହ ପଚି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାରୁ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହାତୀର ମୃତଦେହ ସହିତ 2 ଫୁଟର ଦାନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। କାଲି ଖବର ପାଇକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଥିଲା। ବୟସ 50 ରୁ 55 ଭିତରେ ହୋଇପାରେ ନା, ଶିକାର ପାଇଁ ତ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ହାତୀଟି ଏଠି ପଡ଼ିଛି ତା ବୟସ ଅଧିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗୁଳିଟେ ପାଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣାଟା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ତାକୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଯାଏ। ନୟାଗଡ଼ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ନୟାଗଡ଼ ରୁଖି ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛି ହାତୀ, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଶୁଳିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ନୟାଗଡ଼ ରୁଖି ପାହାଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ମୁକ୍ତାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ନୟାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲା ଏହି ହାତୀଟି। ଆଜି ସକାଳ 5ଟାରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଆମ ଘର ଆଗ ଦେଇକି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରେସିଡେନ୍ସର ବାଉଣ୍ଡାରୀ କଡ଼େ କଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ହାତୀ ଦନ୍ତା ହାତୀଟେ ଏଇ ରୁଖି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବୋଧହୁଏ ଶୁଳିଆ ପଟୁ ଆସିଥାଇପାରେ, ଆଉ ବନ ବିଭାଗବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ। ଶବକ ସମାନ ସାଇକେଲରେ ବୁହା ହେଲା ଶବ, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକା ମେଡିକାଲରେ। ମେଘାଳୟ ଗାଁର ମହିଳା ରୁକ୍ମିଣୀ ସାହୁ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହେବା ପରେ ବିନିକା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରିବାର ମୃତଦେହ ନେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରାୟଣ ଗାଡ଼ି ଖୋଜିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗାଡ଼ି ନ ଆସିବାରୁ ଶେଷରେ ସାଇକେଲରେ ମୃତଦେହ ନେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଛେନାପୋଡ଼ ନ ଦେବାରୁ ଦୋକାନୀକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଳିଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲ ଛକରେ ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସ ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବେଳେ 1 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଧନରଞ୍ଜନ ବୋଷ ତାଙ୍କୁ ଛେନାପୋଡ଼ ମାଗିଥିଲେ, ତେବେ ଶଶିକାନ୍ତ ମନା କରିଥିବାରୁ ଧନରଞ୍ଜନଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କ ପେଟରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏବଂ ପରେ ଏସ୍ସିବି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ରଜଦୋଳିରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମମେୟୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଥିବା ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଦୋଳିରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ସାହାଡ଼ାପଦା ଗ୍ରାମର। ଯୁବକ ଜଣକ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କି ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 11:00 ରାତିରେ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିକି ବସେଇକି ଆଣିକି ଆଇଲି ପୋଖରୀଠୁ। ଗାଡ଼ି ସେ ଘରେ ଥୋଇଲା, ପୁଅ ଗାଡ଼ି, ତା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ପୁଅ ଟିକେ କିଏ ବୋଲି ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ଅନ୍ଧାରଟା ତୁମେ ଶୁଣି ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ଆଇଲା। ଆଣିକି ଆସିକି ଆଇଲା ଗାଡ଼ିରେ ତାର ବସିକି ଆଇଲା। ମୁଁ ରାକିଲ କଲିଆର ପୁଅ ଗୋଟେ ଯାଉଛୁ ନା ମୁଁ ଆଉଛି, ପୁଅ ଏତିକି କହିଛି, ଆଉ ସିଏ ସେଠି ପୋଖରୀଟି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆଣିଲା, ଏ ପିଲାଟା ଡାକିଲା ଯେମିତି ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଏ କାମ କରିବନି। ଆମକୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଲୋକ ଡାକିଲେ କହିଲେ ତ ମୋ ପୁତୁରା ଅନିଲି ମମେଙ୍କ ଦୋଳିରେ ସେ ଦୋଳି ଦୌଡ଼ା ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ା ଲଗାଇନି, ତା ଗୋଡ଼ 2ଟା ତଳେ ଲାଗିଛି, ତାକୁ ମାରିକି ସେକୁ ଓହ୍ଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ବୁଲୁଥିଲେ ମଦ ଗଞ୍ଜ ଖାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ କହିବେ କିଏ ମାରିଛି ଅନିଲ କି ଅନିଲ ମର୍ଡର କେସରେ ଦାୟୀ କିଏ। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟର ମାନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ 15। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 100 ମାର୍କରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 29। ଖାଦ୍ୟର
मानक जांच नहीं होता परीक्षा राज्यर प्रदर्शन को नहीं उठी प्रश्न जहां प्रमाणित करछि राज्य में नियमित भाव खाद्यर मान जांच होना पूर्व कटक बालियात्रा बेले एमती अनेक खाइबा अनुपयोगी खाद्य धरा पड़ा जहाँ को नष्ट पड़ा तेरे केवल से दायित्व सारी दे प्रशासन जार प्रमाण हो केन्द्र सरकार स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जलुची सारा ओडिशा रेकर्ड भांगी चली ताति प्रबल गुळुगुळि जनजीवन अस्तव्यस्त असह्य खरारे लोके डहल विकल आज सकाल 8:30 सुधा झारसुडा सर्वाधिक 36.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि सबलपुर 36.2 हीराकुद 35.8 भुवनेश्वर 35.6 पुरी 34 डिग्री ताति रेकर्ड होइछि आर्द्रता अधिक थिबारु प्रबल गुळुगुळि अनुभूत होइछि समय बुलेटिन को रखा नमस्कार।